एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट हिस्टोरिक कन्वर्जन ऑफ वन, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है डील सेकर के सीईओ ने, वन इकोसिस्टम के सीईओ ने, और इसको हम विद प्रूफ देखेंगे क्योंकि सभी कुछ पब्लिक ब्लॉकचेन पर हो रहा है, तो हमें इस डाटा को भी देखना जरूरी है। तो मैं आपको इस डाटा के बारे में बताऊँगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस ब्लॉक में कितने कॉइन कहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, पूरी चीज़ें एक एक डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, कंपनी के सीईओ ने इसका अनाउंसमेंट किया है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई फेक वीडियो बन रही हैं डील सेकर पूल से रिलेटेड, तो उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कंपनी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अब भाई अगर किसी को कंपनी में ही डाउट है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। हालाँकि जो चीज़ें सबके सामने आ रही हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए, फर्स्ट हिस्टोरिक कन्वर्जन ऑफ वन, ब्रेकिंग न्यूज़, हिस्टोरिक कन्वर्जन ऑफ वन टू यूरो वैल्यूड एट 4,500 यूरो बाई ए डील सेकर मर्चेंट, 26 सितंबर 2023 का अनाउंसमेंट है कंपनी का। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। और ये देखिए, ये वन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा वही सारी चीज़ें हैं। इन ए लैंडमार्क अचीवमेंट, ए मर्चेंट आइडेंटिफाइड द अकाउंट डील सेकर VN01, अकाउंट का नाम भी यहाँ पर आप देखिए डील सेकर और आगे है VN01, हैज़ सक्सेसफुली कन्वर्टेड वन इंटू यूरो। इसने वन को जो है यूरो में कन्वर्ट कर लिया है। क्वान्टिटी आपने देखी ली 4,500, मेकिंग द फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ इट्स काइंड, द ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इज ए सिग्निफिकेंट माइल स्टोन फॉर द वन क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स सपोर्टर। तो वन क्रिप्टो करेंसी और इसके सपोर्टर के लिए एक बड़ा माइल स्टोन था जो कि कम्प्लीट हो गया कि आखिर वन को यूरो में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसके ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं कि किस किस ब्लॉक में ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई हुआ है। हालांकि ब्लॉक जब बनता है उसमें कई सारे ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते हैं एक ब्लॉक में, और एक ट्रांजेक्शन कई ब्लॉक में चला जाता है। ये एक सीक्वेंस रहता है जो टाइम के साथ होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हम polygonscan.com पर पहुँच जाते हैं। ये मैंने अलग से भी ओपन किया हुआ है, इसको मैं वापस कर लेता हूँ और इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर जो हमने किया था उसको चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन का हैश क्या है। तो दिस इज़ द हैश। अगर आप हैश नहीं जानते तो आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी नॉलेज, कोडिंग वगैरह को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तब आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हैश रेट है, स्टेटस यहाँ पर है और हैश को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ATX हैश और ट्रांजेक्शन हैश इज ए यूनिक 66 करेक्टर आइडेंटिफायर दैट इज जनरेटेड वेयर ए ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो हैश जो है एक यूनिक 66 करेक्टर का कोड होता है जो ट्रांजेक्शन के टाइम पर जनरेट होता है। जैसे बैंक की ट्रांजेक्शन ID होती है, ठीक वैसे ही ये ट्रांजेक्शन का हैश होता है। स्टेटस ये है कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और इस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए 352,629 ब्लॉक ने कन्फर्मेशन दिया है। वन इकोसिस्टम के 352,629 ब्लॉक ने, जो कि पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है, उसका कन्फर्मेशन हुआ है इस ट्रांजेक्शन को, यानी कि ये ट्रांजेक्शन 100% श्योर है और इसको इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, यानी कि वन वे प्रोसेस है। एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो समझ लो हो गया। इस ट्रांजेक्शन को होने में 9 दिन 1 घंटे का समय लगा है, 25 सितंबर से 10:50 13 सेकेंड PM UTC पर ये कंप्लीट हुआ है। तो ये टाइम यहाँ पर देखिए, ट्रांजेक्शन हैज़ आपने देख लिया, स्टेटस देख लिया, ब्लॉक देख लिया और टाइम स्पाम देख लिया। अब ये ब्लॉक है, आगे चलिए और चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पर किस ब्लॉक किस ट्रांजेक्शन से हुआ है, तो ये रहा वन इकोसिस्टम का, वन इकोसिस्टम का कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसको मैच करने के लिए आप देख सकते हैं 1C86E। तो मैं पॉलीगन स्कैन पर जाता हूँ और वहाँ पर वन का दिखाता हूँ, पॉलीगन स्कैन। तो हम गए यहाँ पर पॉलीगन स्कैन पर, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रांजेक्शन, इसी से ये इधर को ट्रांजेक्शन हुआ है। और इसके बाद इंटरेक्टेड विद टू, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये भी वेरीफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन कम्प्लीट। और बाकी जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें कितना कितना रहा है, कितने कितने फॉर्म किससे किसको कितने ट्रांसफ़र किए गए हैं वो भी यहाँ पर है। तो देखिए, इससे इसको किया गया 18-1, फिर 18-1, फिर 264, 11,651, 18, 830, 822, 18, 0.1, 8, 265, 11, 18, 830।
तो ये इन इन ट्रांजेक्शन के ब्लॉक हैं जिनको वन ने वेरीफाई किया है। तो अब देखिए, जैसे कि वन इस ट्रांजेक्शन इस वैलेट से इस वैलेट पर जा रहा था, उस टाइम पर 18-1 का ट्रांजेक्शन हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ टीथर का वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन ब्लॉकचेन एक ही होने की वजह से इसका भी, इस ब्लॉक में भी इसका एड्रेस रिकॉर्ड हुआ है। अगर आगे देखें तो यहाँ पर भी देखिए, यूएसडीटी के साथ पीओएस, ये इसमें भी ये रिकॉर्ड हुआ है, इसमें भी रिकॉर्ड हुआ है, इन सभी में इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं पॉलीगन स्कैन पर। यहाँ पर बने सिस्टम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये पब्लिकली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई हो रहा है, इसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी फेक होने का चांसेस नहीं है, यानी कि ऑफिशियल वेरीफिकेशन हो रहा है। अब देखिए, इसको आप पब्लिकली यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ये सारी इसके डाटा वगैरह हैं जिनके कोडिंग वगैरह है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ बाकी में ये ब्लॉकचेन पर हो रहा है। एक्सेस लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मिल गई, यानी कि ये ट्रांजेक्शन ऑफिशियली वेरीफाइड हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन कैरिड आउट बाय द मर्चेंट डील सेकर BN1 इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ 1 into euro। तो इन्होंने 1 की एक्सचेंज को किया है यूरो में, और इनका टोटल वैल्यू अमाउंट जो है वो 4,500 है, और वो कई सारे ट्रांजेक्शन में, जैसे कि हमने अभी देखा, सेवरल ट्रांजेक्शन में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसको अलग अलग ऐड किया गया है। और दे सर्व एज ए टेस्टिमेंट टू द ग्रोइंग एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्शन ऑफ वन। तो ये एक ट्रायल था, एक टेस्ट था इसके ग्लोबल एक्सेप्टेंस को और वन को एक्सेप्ट किए जाने के लिए, एडॉप्ट किए जाने के लिए। आगे भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं वन को इनसे रिलेटेड, आपने ये वीडियो भी देखी होगी CEO की, जिन्होंने जिसमें उन्होंने बताया कि डील सेकर BN01 का 4,500 यूरो, 1 यूरो का कन्वर्जन हो गया है, इतनी वैल्यू के 1 का कन्वर्जन हो गया है यूरो में, और ये मर्चेंट अपना फंड ले चुके हैं। इससे देखिए, 12 महीने का लॉकिंग पीरियड तो था, लेकिन वो एक मैक्सिमम लिमिट है कि इसके अंदर जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तब इतना टाइम लग सकता है। अभी फ़िलहाल में ज़्यादा यहाँ पर लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से ये कम टाइम में ही ट्रांजेक्शन आपका वेरीफाई हो रहा है। अभी जैसा कि हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा, 2 से 4 दिन के अंदर ही आपका सारा ट्रांजेक्शन जो वन है वो यूरो में कन्वर्ट होकर वापस आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये, और इसको हम लाइव पॉलीगन स्कैन पर यहाँ पर देख चुके हैं, और अगर साथ में अगर आप देखें तो इसको कॉइन मार्केट कैप पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, पब्लिकली यहाँ पर इस कॉइन को वेरीफाई किया जा रहा है, इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा रहा है, OES/USDT। तो OES/USDT यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है, polygonscan.com पर भी वेरीफाई हो रहा है, और कंपनी ने भी इसको, वन इकोसिस्टम ने अपनी तरफ से ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू अनाउंसमेंट कर दिया है, और अपने YT चैनल पर भी इसको अनाउंसमेंट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई इसमें और उसमें क्या अंतर है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी आती है। तो वन कॉइन OES, जैसा कंपनी भी बताती है कि भाई OES एक अलग सिस्टम है, इसके पीछे अलग टीम काम कर रही है, हालांकि कोर कंसेप्ट एक ही है, पुराने वन है सभी के पास, लेकिन ये नया मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आगे चलिए और चीज़ें दिखा देते हैं, यहाँ पर किस ब्लॉक्स किस ट्रांजेक्शन से हुआ है। तो ये रहा वन इकोसिस्टम का, वन इकोसिस्टम का कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसको मैच करने के लिए आप देख सकते हैं 1C86E। तो मैं पॉलीगन स्कैन पर जाता हूँ और वहाँ पर वन का दिखाता हूँ, पॉलीगन स्कैन। तो हम गए यहाँ पर पॉलीगन स्कैन पर, यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रांजेक्शन, इसी से ये इधर को ट्रांजेक्शन हुआ है, और इसके बाद इंटरेक्टेड विद 2, यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये भी वेरीफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट। और बाकी जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें कितना कितना रहा है, कितने कितने फॉर्म किस से किस को कितने ट्रांसफ़र किए गए हैं, वो भी यहाँ पर है। तो देखिए, इससे इसको किया गया 18-1, फिर 18-1, फिर 264, 11,651, 18, 830, 822, 18, 0.1, 8, 265, 11, 18, 830। तो ये इन इन ट्रांजेक्शन के ब्लॉक हैं जिनको वन ने वेरीफाई किया है।
तो अब देखिए, जैसे कि वन इस ट्रांजेक्शन इस वैलेट से इस वैलेट पर जा रहा था, उस टाइम पर 18-1 का ट्रांजेक्शन हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ टीथर का वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन ब्लॉकचेन एक ही होने की वजह से इसका भी, इस ब्लॉक में भी इसका एड्रेस रिकॉर्ड हुआ है। अगर आगे देखें तो यहाँ पर भी देखिए, यूएसडीटी के साथ पीओएस, ये इसमें भी ये रिकॉर्ड हुआ है, इसमें भी रिकॉर्ड हुआ है, इन सभी में इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं पॉलीगन स्कैन पर। यहाँ पर बनी को सिस्टम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये पब्लिकली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई हो रहा है, इसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी फेक होने का चांसेस नहीं है, यानी कि ऑफिशियल वेरीफिकेशन हो रहा है। अब देखिए, इसको आप पब्लिकली यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ये सारी इसके डाटा वगैरह हैं जिनके कोडिंग वगैरह है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ वाकई में ये ब्लॉकचेन पर हो रहा है। एक्सेस लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मिल गई, यानी कि ये ट्रांजेक्शन ऑफिशियली वेरीफाइड हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन कैरिड आउट बाय द मर्चेंट डील सेकर BN1 इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ 1 into euro। तो इन्होंने 1 की एक्सचेंज को किया है यूरो में, और इनका टोटल वैल्यू अमाउंट जो है वो 4,500 है, और वो कई सारे ट्रांजेक्शन में, जैसे कि हमने अभी देखा, सेवरल ट्रांजेक्शन में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इसको अलग अलग ऐड किया गया है। और दे सर्व एज ए टेस्टिमेंट टू द ग्रोइंग एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्शन ऑफ वन। तो ये एक ट्रायल था, एक टेस्ट था इसके ग्लोबल एक्सेप्टेंस को और वन को एक्सेप्ट किए जाने के लिए, एडोप्ट किए जाने के लिए। आगे भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं वन को इनसे रिलेटेड। आपने ये वीडियो भी देखी होगी CEO की, जिन्होंने जिसमें उन्होंने बताया कि डील सेकर BN01 का 4,500 यूरो वन यूरो का कन्वर्जन हो गया है, इतनी वैल्यू के वन का कन्वर्जन हो गया है यूरो में, और ये मर्चेंट अपना फंड ले चुके हैं। इससे देखिए, 12 महीने का लॉकिंग पीरियड तो था, लेकिन वो एक मैक्सिमम लिमिट है कि इसके अंदर जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तब इतना टाइम लग सकता है। अभी फ़िलहाल में ज़्यादा यहाँ पर लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से ये कम टाइम में ही ट्रांजेक्शन आपका वेरीफाई हो रहा है। अभी जैसा कि हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा, 2 से 4 दिन के अंदर ही आपका सारा ट्रांजेक्शन जो वन है वो यूरो में कन्वर्ट होकर वापस आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये, और इसको हम लाइव पॉलीगन स्कैन पर यहाँ पर देख चुके हैं, और अगर साथ में अगर आप देखें तो इसको कॉइन मार्केट कैप पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, पब्लिकली यहाँ पर इस कॉइन को वेरीफाई किया जा रहा है, इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा रहा है, OES/USDT। तो OES/USDT यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है, polygonscan.com पर भी वेरीफाई हो रहा है, और कंपनी ने भी इसको, वन इकोसिस्टम ने अपनी तरफ से ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू अनाउंसमेंट कर दिया है, और अपने YT चैनल पर भी इसको अनाउंसमेंट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई इसमें और उसमें क्या अंतर है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी आती है। तो वन कॉइन OES, जैसा कंपनी भी बताती है कि भाई OES एक अलग सिस्टम है, इसके पीछे अलग टीम काम कर रही है, हालांकि कोर कंसेप्ट एक ही है, पुराने वन है सभी के पास, लेकिन ये नया मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।